आगे चलते हैं भाई। सवाल अब आपको सिखा दिए, पहचान करिए। पहला सवाल, फर्स्ट सवाल, अब बहुत अच्छे तरह ये सवाल बहुत बच्चे गलत करते हैं, लेकिन मैंने आपको टेक्निक सिखा दी। 70 और उसके 40 आ गया, हाफ से ज़रा सा ज़्यादा। नेक्स्ट टर्म इससे इंक्रीज हो रही है, और लास्ट के टू टर्म देखा आपने, 1 और 2 के रेशियो में आ रहा है, करीब करीब 2 times 2.25, 2.4, 2.5। तो इसका मतलब क्या है, हाफ पैटर्न सीरीज है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से, पॉइंट फाइव का मतलब क्या है, हाफ, हाफ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35। अब 35 में मैं क्या ऐड करूं, इससे पूछेंगे, नमस्कार भाई साहब 40-40 हैं आप, मेरे पास 35 है, मैं आप में क्या ऐड करूं, तो सवाल जवाब खुद ही आ जाएगा। 5 ऐड कर दीजिए भाई साहब, आप 5 ऐड करते ही 40 आ गया। मुझे सिमेट्री बनानी है, एक नियम बनाना है, वो निकल के आएगा, लॉ बन के आएगा। अब इसको करिए 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 40 बन जा 40, भाई क्या जोड़ूँ, उन्होंने कहा 10 जोड़ो, चलो भाई, तो यहाँ 0.5, यहाँ 1, तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ देखिए 5, 10, तो यहाँ 15 से करूँ, 15 ऐड कर दूँगा। चलिए चेक कर लीजिए, 50 को 1.5 से करेंगे तो 75 प्लस 15 90, रूल बन गया, रूल बन गया, सिमेट्री आ गई, रूल बन गया, वही रूल है ये, तो आपने पहचान लिया, रूल बन गया। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा चेक नहीं करूँगा, लेकिन लिख दूंगा, यहाँ 2 आएगा मल्टीप्लाई प्लस 20 आएगा, यहाँ 2.5 आएगा मल्टीप्लाई में, और प्लस 25 आएगा, कर दो भाई भाई आंसर निकालने के लिए, और लंबा जाए इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए 200 को 2.5 से करिए तो 500, 525, तो आंसर आ गया 525। कितना आसान था, कोई ऐसी बात नहीं थी, थी समझ में आया, क्या पहचान बताई मैंने, काफ़ी सवाल आपको इस तरीके का कराएं और आपके समझ में आ गए होंगे, बोलिए आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा भाई, 1, 2, 2 का 3 times, 6 का 5 times, 5 का 1, फिर 1 times, भाई ये तो कोई सीरीज लग नहीं रही, ये तो सिमेट्री अंदर यूँ भी नहीं चल रही, कुछ बढ़ तो रही है लेकिन इतना बढ़ नहीं रही। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अंतर निकाल के देखते हैं, अंतर निकाल लीजिए। भाई अंतर निकाला, भाई अंतर निकाल के कुछ सिमेट्री लग तो रही है भाई, फर्दर इनक्री अंतर मत निकालिए, डिफरेंस डिफरेंस निकाला इन दो टर्म का, तो भाई सीरीज लग तो रही है, क्या ये 1 है, ये 4 है, ये 20, ओहो ये 2 तो 2 का स्क्वायर है भाई, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब होगा, तो 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, अल्टरनेट चल रहे हैं, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म क्या आएगी, 6 का स्क्वायर आएगी, नियम से 6 का स्क्वायर, बस कर दीजिए, 6 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 6 का स्क्वायर, 36। अब इसमें देख लीजिए ये इंक्रीज हो रहा, जोड़ देंगे 36 इसमें जोड़ दीजिए तो 200 आंसर आ गया। बोलो समझ में आया, मैंने कुछ लग नहीं रहा था लॉजिक, तो मैंने अंतर निकाल के देखा, और अंतर निकाल में मुझे सिमेट्री दिखाई दी कि ये 1 है, ये 4 है, ये 27 है, 16 है, 125 है, घबराइए मत, अल्टरनेट अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है ठीक है। अगला सवाल देखिए, फोर्थ थर्ड, 49, 51, 63, 49, तो बहुत कम डिफरेंस है इसमें, जब बहुत कम डिफरेंस होता है तो अंतर निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2, अंतर निकाल लीजिए, ये आया भाई अंतर भी, यार अंतर भी कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा लूंगा तो अभी सिमेट्री नहीं आएगी, कुछ फर्दर आ जाएगी, कुछ इंक्रीज डिक्रीज में, मज़ा नहीं आया भाई, समझ में नहीं आया, आएगा आएगा, इसी में कुछ लॉजिक और लगा दूंगा मैं अभी, ये बहुत काम की चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, क्या बोलो,
सेवन एट जा सिक्स 56 होता है, सेवन एट जा होता है, फाइव सिक्स जा 30 होता है, होता है फोर थ्री जा 12 होता है, होता है, और वन टू जा, तो इसे पहले वाला रख लीजिए, फाइव छोटा वाला टर्म यहाँ रखिए, देखिए उससे सिमेट्री बनेगी, थ्री फोर जा करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाद में रखिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कंटिन्यूएशन में हो गया, तो ये क्या आएगा, वन गुणा टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सवाल करें, नाइन टेन, नाइन टेन आएगा, क्या आएगा, नब्बे, नाइन्टी आएगा, आएगा नाइन्टी, नाइन टेन आया, इसमें जोड़ दीजिए, नाइन्टी जोड़ दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा, तो क्या आएगा, नाइन और चौदह और नौ 23, बोलिए आया आंसर, समझ में आया, मैंने दो निकाला, 12 निकाला, 30 निकाला, 56 और 90 ये द डिफरेंस निकाला, समझ में नहीं आ रहा, बैक रहो, बैक हो मत, कहीं से चलो, 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 5 6 जा 30, 4 3 जा 3 4 रखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 कर दिया, अगला होता तो 11 12 कर देता, आंसर निकल के आ गया। अब देखिए भाई साहब, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1 टेन टाइम्स, कुछ नहीं कह सकते, टेन टू जा कभी टेन टाइम्स और टू टाइम्स, 28 83 थ्री से इसे करेंगे तो ये शायद फोर टाइम्स आएगा, फोर टाइम्स, भाई समझ में नहीं आ रहा सवाल, एकदम ह्यूज मल्टीपल इंक्रीज हो रही है, बहुत ऊपर जा रही है, यूं करके स्लोप जा रहा है, स्लोप ऊपर को, यूं ये अगर एक्स एक्सिस है ये वाई, तो स्लोप ऊपर को जा रहा है, यूं करके एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो स्लोप हमारा ऊपर को जा रहा है, नीचे को नहीं है, यहाँ नहीं है, यूं यूं करके ये जा रहा है, जो बाकी सवाल यूं करके जा रहे हैं, स्लोप ऊपर को जा, जंप कर रहा है, जंप कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं इसे यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये फोर टाइम्स लग रहा है मुझे, फोर टाइम्स, फोर टाइम्स, फोर टाइम्स, ये फोर टाइम्स है, फोर टाइम्स में पूछेंगे क्या करें, फोर टाइम्स, और देखिए 83 जा, ये थ्री टाइम्स लग रहा है, ये थ्री टाइम्स है, फोर टाइम्स मल्टीप्लाई पहले लिखा दी, फोर टाइम, अब फोर टाइम्स थ्री टाइम्स, तो इसका मतलब ये टू टाइम्स होगा, होगा, और ये वन टाइम्स होगा, अब देखिए वन टाइम्स को ऐसा लिख दीजिए, वन टाइम्स, अब बात करते हैं, अब इधर से नहीं चलेंगे, अब इधर से चलेंगे छोटी साइड से, भाई वन बन जा वन, मैं आप में क्या ऐड करूं कि मुझे टेन मिल जा, तो उन्होंने कहा आठ कर दीजिए, वन वन जा वन आठ कर दीजिए, ठीक है साहब, टेन टू जा ट्वेंटी, टेन टू जा ट्वेंटी, वन वन जा वन आठ क्यों करेंगे भाई, नाइन करेंगे, नाइन हमें तो टेन चाहिए ना, अब टेन टू जा ट्वेंटी, मुझे 28 चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूँगा, आठ, भाई सिमेट्री लग तो रही है कुछ, वन टू थ्री फोर, या नाइन आ रहा है, एट आ रहा है, हो सकता है सेवन आए, तो मेरा रूल बन जाएगा, देखिए 28 थ्री या 84, 84 में 90 लाना है तो प्लस के सेवन, भाई रूल बन गया, रूल बन गया, वन टू थ्री से मल्टीप्लाई करा, नौ आठ सात, इसका मतलब आप क्या आएगा, छः, क्या आएगा, छः, रूल क्या आएगा, छः, देखिए ये इसका करा तो ये आया, ये इसका, अब मैं इसका करूँगा, इसका करूँगा, क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस छः, और इसके लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय फाइव और प्लस फाइव, फाइव क्योंकि घट रहा है, मल्टीप्लिकेशन बढ़ रही है और ये प्लस वाला एक कम हो रहा है, तो बस कर दीजिए पाँच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसे पाँच से मल्टीप्लाई करके पाँच जोड़ करिए साहब, पाँच से मल्टीप्लाई, देखिए फाइव जीरो जीरो, फाइव सेवन या 35 और फाइव थ्री या 15, 15 और तीन 18, पाँच जोड़ दीजिए प्लस पाँच, क्या आंसर आया, 1855, देखिए चार क्वेश्चंस हो गए आपके, और किस तरीके से, किस टेक्निक से, एग्जाम में ऐसा करते हैं टेक्निक निकालने का तरीका, अब मैं क्या रिपीट करूं, कौन से सवाल को करूं, ह्यूज वन टेन, टेन टाइम्स, यहाँ टेन टाइम्स है, यहाँ नहीं बता सकता, ये टेन टाइम्स ही बताएगा, ये कहेगा फाइव टाइम्स करके फाइव जोड़ दो, ये तो दसियों बाद बता देगा, मैं इस जब ह्यूज बढ़ता है, लम समझा जाता है, स्लोप ऊपर को जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इन टर्म्स की बात करके देखता हूँ,
इन्ह का चार टाइम्स हूँ मैं, इन्ह का मैं तीन टाइम्स लग रहा हूँ, तो बस ठीक है मैंने दो टाइम्स एक टाइम एक सिमिट्री बनाई। अब इसमें एक टाइम्स करके मैंने पूछा भाई नमस्कार वन बन जा वन, मैं आपको मुझे लाना था टेन, उन्होंने कि क्या है, उन्हें नौ ऐड कर दो, नाइन ऐड कर दिया, टेन टू जा ट्वेंटी, क्या ऐड करूँ, ट्वेंटी एट आ जाए, उन्होंने कहा आठ कर दो, एट्टी ट्वेंटी एट थ्री जा एट्टी फोर, मैं क्या ऐड करूँ सेवन, मेरा रूल बन गया नाइन एट सेवन सिक्स फाइव, इधर और इधर वन टू थ्री फोर फाइव, सिमेट्री बन गई, कोई ताकत नहीं इस सवाल को गलत कर दे। बोलिए समझ में आ रहा है।